चलिए एक और नए टॉपर से मिलते हैं, निजाम से, जिनकी रैंक है 382, जो कि हरियाणा से हैं। और निजाम, सबसे पहले 382 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप बेटा, जो आपकी सक्सेस जर्नी है इंटायर, क्योंकि आपने ड्रॉप ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है, तो आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, मैं चाहूंगा वो आप डिटेल में बताएं कि आपने ड्रॉप क्यों लिया, दूसरा आपने जब निमसेट के लिए कब सोचा था, किस ढंग से प्रिपरेशन की, इंटायर ईयर आपका कैसा रहा। सर जर्नी तो स्टार्ट होती है 8th 9th के बाद। उसके बाद ही मुझे मैथ समझ में आने लगी थी। उससे ओके पहले तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा था। उससे पहले तो जैसे कोई टॉपर है उसके रजिस्टर से ही अपने क्वेश्चन कर लिए, ऐसे ही करता था उससे पहले। ठीक है। उसके बाद 10th में मुझे एक टीचर मिला था मैथ का, काफ़ी अच्छा था वो। उसकी वजह से मुझे यह पता चला कि मैथ समझनी भी होती है मैथ। ठीक है, तो आप उन टीचर का तो नाम भी उसके बाद लीजिए जो फिर मैं, आपकी लाइफ में चेंज करते हैं, उनके उनको हमेशा याद रखना चाहिए। क्या नाम था आपके उन टीचर का। सर उस टीचर का नाम है रामकृष्ण सर। ओके, फिर उसका उसकी वजह से मुझे यह पता चला कि मैथ को समझना भी पड़ता है। उससे पहले मैं रट रहा था, सिर्फ किसी टॉपर के नोट्स ले लिए उसी से ही छाप दिया, बस ऐसे ही करता था। ठीक है। उसके बाद 11th में मैंने आर्ट्स ले लिया, क्योंकि सारे बच्चे 11th में आर्ट्स ले रहे थे और मैं गवर्नमेंट स्कूल से था, प्राइवेट तो था ही नहीं, तो सभी आर्ट्स ले रहे, तो मैंने भी आर्ट्स ले ली। तो मैं 20 दिन उसमें रहा आर्ट्स में। उसके बाद मेरे को समझ में आ गया यहाँ तो रटना पड़ता है, तो मैं उससे फिर साइंस में आ गया। मैं ओके, अकेला अच्छा ही था सिर्फ मैथ वाला, बाकी सब ने आर्ट्स ले ली, तो कुछ बायो है, मैं ही था सिर्फ अकेला मैथ पूरे वाला। स्कूल में आप अकेले मैथ्स वाले थे। हाँ सर, ये अकेला ही था, वो ओके, गवर्नमेंट स्कूल था और टीचर्स तो थे ही नहीं, स्टाफ था ही नहीं, मैथ का भी नहीं था और साइंस का पूरा स्टाफ नहीं था। सिर्फ बस जाते थे और वहाँ बस अटेंडेंस करा दी और उसके बाद वापस आ जाते थे, ठीक है ठीक चलता था। है। तो 12th में, फिर 12th में मैंने मोबाइल ले लिया था सेकेंड हैंड पढ़ने के लिए, ओके यूट्यूब वीडियो से। तो मैं यूट्यूब वीडियो से ही पढ़ता था। उसके बाद यूट्यूब वीडियो से ही मैंने 12th की क्लास की है पूरी, यूट्यूब वीडियो से ही समझा। उसके बाद मुझे निमसेट के बारे में पता चला, क्योंकि मुझे बीटेक करना था या फिर मुझे सॉफ्टवेयर फील्ड में ही जाना था, है ना। ओके तो उसके बाद मुझे लगा बीटेक करूँगा तो या तो NIT से करूँगा या IIT से। तो ठीक ये है मुझे बाद में पता चला, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो ओके ठीक फिर मैंने BCA में एडमिशन ले लिया, क्योंकि सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना था। तो निमसेट की प्रिपरेशन मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी BCA में, थोड़ा है। थोड़ा करके। और आपके साथ मैंने समझा, इंटरकनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स समझा, मुझे ये आपसे ये पता चला कि टॉपिक्स कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे AP का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर रहे हैं उस किस तरह से। ढंग से तो करेंगे। हाँ सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दिया था मैंने, और थर्ड ईयर मैंने अपियरिंग के साथ भी दिया था पिछली बार, लेकिन कुछ वजह से वो नहीं हो पाया पिछली बार। ठीक है, तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ड्रॉप लेना, मुझे क्योंकि करना तो NIT से था, तो मैंने ड्रॉप का प्लान बना लिया। और बाकी सब बोल रहे थे कि ड्रॉप मतलब प्राइवेट कॉलेज से कर ले किसी से, क्योंकि किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि ड्रॉप लेके भी दोबारा स्टार्ट कर ले, ऐसा किसी ने ठीक नहीं है कहा। सिर्फ मेरा डिसीजन था, मैंने वो डिसीजन लिया, उसके बाद ड्रॉप के साथ किया। और आपने जो मटेरियल प्रोवाइड किया वो सारा सॉल्व किया, सारे टेस्ट पेपर दिए आपने जो हाँ सारे टेस्ट पेपर दिए थे। हाँ और पेपर के एनालिसिस भी किए होंगे अच्छे से। ठीक पेपर का एनालिसिस अच्छे से किया। इस बार मेरे साथ थोड़ी ये प्रॉब्लम हुई थी, वो माउस माउस का जो कर्सर होता है हाँ वो स्लोली काम कर रहा था, वो धीमे काम कर रहा था। इसकी वजह से आंसर्स को टिक करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, पर फिर भी ओके, मैंने संभाला पूरी तरह। तो ये रहा सर। तो निजाम, आपकी मैंने सक्सेस स्टोरी सुनी। सबसे पहली बात तो ये कि आप सिंगल स्टूडेंट थे जो मैथ्स वाले थे, कहीं ना कहीं वो 10th में आपके टीचर अच्छे मिले, उनके वजह से आपका मैथ्स में इंटरेस्ट आया। अकेले होने के बाद भी आपने 11th 12th मैथ्स से ही की, ये आज आपको समझ में आ रहा होगा कितना अच्छा हुआ। अगर उस समय आप आर्ट्स में रहते तो शायद आज ये चीज ना मिल पाती। फिर BCA किया, BCA के साथ भी आपने लास्ट ईयर वो एनी वे जो भी है, पर इस साल आपने बहुत अच्छी रैंक अचीव की। कुछ जैसे आपने बोला कर्सर शुरू चल रहा था जो भी है, पर उसके बाद भी रैंक अचीव की। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में या जब आपने ड्रॉप लिया, तो ड्रॉप लेने के बाद कभी कोई साल भर में कोई डर आया आपके अंदर। नहीं सर, कोई डर नहीं था, क्योंकि डिसीजन मेरा ही था, मैंने ओके किसी से ऐसा बोला ही नहीं कि
या किसी और ने बोला मुझसे कि ड्रॉप ले ले निकाल लेगा तू, ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला, सब यही बोल रहे थे प्राइवेट कॉलेज से कर ले। अब मतलब ड्रॉप मतलब कोई ड्रॉप वाला बोल ही नहीं रहा था, ये तो बहुत मैंने ही वो कॉमन होता डिसीजन है। लिया। हाँ हाँ यही होता है सर, बिल्कुल ऐसा यही कोई होता है, प्रेशर लोग नहीं। ड्रॉप के सपोर्ट में नहीं होते, साल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो बोलेंगे, पर उन्हें नहीं पता ये 1 साल आपके जीवन को बदल सकता है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था और सेल्फ डिसीजन था, ये यस सबसे अच्छी सर, बात थी। तो निजाम आप एक बार बताओ, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो बच्चे ड्रॉप लेने से कई बार घबराते हैं या डरते हैं, या जो बच्चे कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आपने तो बहुत आउट कंडीशन में सब कुछ किया, देख के समझ में आ रहा है, तो आप क्या मैसेज दोगे उनको? सर ये मैसेज देना, जो भी अगर जब भी पता चले निमसेट के बारे में तो ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर खुद से भी कर सकते हैं प्रिपरेशन अगर करना चाहें तो, पर डिसीजन आपका ही होना चाहिए और पढ़ाई करते रहना चाहिए बस कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ लिया फिर तीसरे दिन आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, बस पढ़ते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली और हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला निजाम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप NIT में जाके भी अब ऐसे ही आगे बढ़ो, अच्छे से प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करो और एक अच्छा प्लेसमेंट लो। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू।